हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग, उत्तर प्रदेश में 23,000 शिक्षक होंगे भर्ती, 6,000 आरक्षित वर्ग के लोगों को मिलेगी नौकरी और 17,000 पदों पर जो है वो बिल्कुल नई भर्ती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपी में जो 69,000 वैकेंसी आई थी उसमें कुछ रिजर्वेशन का लेकर कुछ मैटर था, जिसकी वजह से कई बार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उनके ज़ख्मों पे मरहम है ये वैकेंसी। और अगर मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूं, मे भी आप इत्तेफाक रखेंगे नहीं रखेंगे, कि ये चुनावी स्टंट है, जो भी है, बट वैकेंसी आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि इसमें स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी अगर नहीं होगी तो उसके लिए हम क्या कर सकते। तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मुझे ट्विटर पर फॉलो करें। कुछ टाइम बाद, अभी से 2 से 3 दिन बाद, हम लोग एक ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे, देखते हैं कि कितने लोग जुड़ते हैं, कि भाई यूपी में अगर इस वैकेंसी में स्पेशल एजुकेटर की अगर 500 वैकेंसी भी आती है तो ये शुरुआत हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि यूपी के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई यूपी में एक बार वैकेंसी आ जाए। बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 23,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 6,000 आरक्षित वर्ग के लोगों को भी मिलेगी नौकरी। तो साथ ही 17,000 पदों पर होगी नई भर्ती भी। तो 17,000 तो नए पद हैं और 6,000 जो है आरक्षित वर्ग, यानी कि भाई आप समझ सकते हैं कि ये सब क्या है। खैर, मैं नहीं बोलूँगा इसमें कुछ। 17,000 पदों पर नई भर्ती भी जल्दी की जाएगी। इसको लेकर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो है सतीश द्विवेदी ने आदेश जारी कर दिया है, ट्वीट के जरिए बताया है। बाकी मैं एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। असल हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव ये है कि भाई स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आनी चाहिए, नथिंग। इसके अलावा और कुछ नहीं, कोई सा भी मुद्दा हो, बस वैकेंसी आ जाए स्पेशल एजुकेटर की। सबसे हमारा टारगेट यही है, ताकि भाई कुछ बच्चे जो हैं स्पेशल के वो लग जाए, ठीक है ना। ये धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के बस वैकेंसी आनी चाहिए। मैं इस वीडियो में कुछ कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत लोग मुझे गाली भी बकने वाले हैं कि तुम तो ये हो, तो ऐसा बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। मैं वैकेंसी आनी चाहिए, मुझे कुछ भी कह लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में संगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। तो 6,000 तो वो हो गए जो 69,000 में, भाई आ सकता है कि भाई कुछ रिजर्वेशन को लेकर है कुछ लोगों का, कि भाई ओबीसी के ज़्यादा ले लिया, एसएसटी के कम ले लिया, एसएसटी के ज़्यादा ले लिया, ओबीसी के कम ले लिया, ईडब्ल्यूएस के नहीं लिया, ऐसा कुछ है जो भी है, मुझे नहीं पता एक्जैक्टली क्या मैटर है। और मैं देख रहा हूँ, पोस्ट वगैरह देखता रहता हूँ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसके अलावा 17,000 बिल्कुल नए पद हैं। तो 17,000 तो समझ जाइए आप, मैं यार ज़्यादा मज़ा ले लेता हूँ यूपी की वैकेंसी के बारे में। और अभी फिर नीचे कमेंट आएगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं सतीश चंद द्विवेदी ने आज बापू भवन में बता दिया कि भाई 69,000 में जो गड़बड़ हुई थी उसको कवर करने के लिए 6,000 और नए 6,000 पद, नए 17,000 पद। तो ये 31/12 तक इसका जो है विज्ञापन आ जाएगा, सूची का प्रकाशन, और परीक्षण दिनांक 3/1 से लेकर 5/1, मतलब इतनी जल्दी, और 6/1/2 को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर वाकई में इतना फास्ट काम हो रहा है तो ये इससे फास्ट काम मैंने आज तक नहीं देखा। अगर ये सिर्फ ये, तो ये मान लो कि 10-12 दिन में 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और हो जाए, मैं तो कहता हूँ हो जाए भाई, ये होना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, बच्चे वेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो जो उन्हें कहना है वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बोल सकते हैं। बाकी जो लोग सपोर्ट में है वो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।